हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियों में गरम गरम सूप पीना किसे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आज हम बनाते हैं हॉट एंड सार सूप। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम करेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच बटर डालेंगे। आप चाहें तो इसे खाली तेल में भी बना सकते हैं। अब इसमें 6 से 8 कलियाँ बारीक कटी हुई लहसुन 30 सेकंड तक भूनेंगे। एक इंच अदरक का टुकड़ा जो कि हमने बारीक कद्दूकस कर रखा है उसको डालेंगे और उसको भी हम कुछ सेकंड तक भूनेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर भूनेंगे। इन सबको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। अब हम इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें बस इतना भूनना है कि उसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें बारीक कटी हुई मशरूम डालकर कुछ सेकंड तक भूनेंगे। हमारे मशरूम भून गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। ये सब काम हमें तेज आंच पर ही करना है, हमें आंच को धीमी नहीं करना है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स और पत्ता गोभी डालेंगे। सब मिलाकर मैंने यहाँ पे 1 कप सब्जी का यूज़ किया है। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। हमारी सब्जियां भुनकर तैयार हैं। हम इसमें एक चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1/2 टीस्पून विनेगर डालकर इसको मिक्स करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और ब्लैक पेपर डालेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े से स्वीट कॉर्न भी डाले हैं। आप चाहें तो डालें या तो ना भी डालें। आप चाहें तो इसमें पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब इसको हम ढककर बॉयल होने तक पका लेंगे। हमारे सूप में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें कॉर्न की स्लरी डालेंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर को हमने थोड़े से पानी में घोल लिया है जिससे कि लम्स ना पड़े, और इसमें हम धीरे धीरे कर मिलाएंगे। इस स्टेज पर आकर हम देख सकते हैं कि हम एक बार टेस्ट करके कि हमारे सूप में सॉसेस वगैरह कम या ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सूप बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी हरी प्याज डालेंगे। अब हम इसको एक बोल में निकालते हैं और ऊपर से हरी प्याज के साथ इसको गार्निश करेंगे और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।
और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।